लैन भेरी गीत ग्रंथ के गाएगी रण भेरी सोया देश जगाएगी रण भेरी चेतना रण भेरी प्रेरणा नवरण की जागरण की कर कर के घोषणा सर्द लहू गरमाएगी रण भेरी सोया देश जगाएगी रण भेरी गीत क्रांति के गाएगी रण भेरी सोया देश जगाएगी रण भेरी। मरना तो एक दिन सबको है राजूगा, आज विजया मरी कल मैं परसों तुम। कुछ लोग मरते हैं और दुनिया उन्हें हमेशा याद रखती है। विजया दीदी ने तो अपने प्राणों की आहुति देकर अपने जीवन का लक्ष्य पा लिया, लेकिन अभी हमें पाना बाकी। वो जो काम अधूरा छोड़कर गई उसे हमें मिलकर पूरा करना है। गोपी सिंह जो है ना ये साथी रहे, हम भी उसको पकड़ने के लिए ना कोई दूसरा ही प्लान करेंगे। ईश्वर कैसी परीक्षा में डाल दिया है तूने, एक समस्या खत्म नहीं होती कि दूसरी सामने आ खड़ी होती है। अरे अरे बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी? चोट तो लगी है मिस्टर गोपी। तुमने मुझे बहुत दौड़ाया, हर घर हर गली का चक्कर लगवाया, लेकिन अब तुम्हें मारने के बाद ही मैं आराम से सोऊंगा। और वैसे भी तुम जैसे गद्दारों का मर जाना ही अच्छा है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं डर गया, मुझे मत मारो। अरे अभी अभी गोली मत चलाना। जैक्सन तो सिर्फ दुष्ट हत्यारा ही नहीं बल्कि बेवकूफ आदमी। मुझे तो आज तक ये बात समझ नहीं आ रही कि अंग्रेजी सरकार ने तुझे अफसर का ओहदा दिया तो दिया कैसे? अगर मेरी नजर से कोई देखे ना और मुझसे कोई पूछे तो तू गंदगी साफ करने के लायक भी नहीं है। तू मुझे ढूंढ रहा था ना? मुझे ढूंढ रहा था ना? पर तू शायद भूल गया कि मैं दिन रात सोते जागते सिर्फ एक ही चेहरा देखता, सिर्फ एक ही चेहरा। जानता है वो चेहरा किसका है? किसका? तेरा। तूने धोखे से विजया को मार दिया, धोखे से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया, लेकिन तेरा अक्स मेरी आंखों में बस गया, मुझे रोज पागल करता गया। और मैं रोज इस दिन का इंतजार कर रहा था कि कब तू मेरे सामने आए और कब मैं तुझे हमेशा हमेशा के लिए मार कर ऊपर पहुंचा दूं और विजया की आत्मा को शांति दिलवाऊं। सी गोपी सिंह, डोंट डू दिस, वी आर फ्रेंड्स। फ्रेंड्स? हाँ फ्रेंड्स। जैक्सन बस अब ये सब नहीं।
बहुत सालों से इन्हीं भावनाओं की वजह से तुम गोपी सिंह को बेवकूफ बनाते आए, लेकिन अब तुम अंग्रेजों का ये नाटक और नहीं चलेगा। इन्हीं भावनाओं की वजह से तुमने गोपी सिंह को अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के खिलाफ खड़ा कर दिया, अपनी भारत माँ के साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब नहीं मिस्टर जैक्सन, अब सिर्फ हमारे बीच दुश्मनी होगी, और तुझे मारने के लिए मुझे अब इसकी भी जरूरत है। बच्चा को तड़पा तड़पा के मारो था ना, वैसे तुझे तड़पा तड़पा। अभी बच्चा की आत्मा को शांति मिलेगी। तुझको मैं इतनी आसानी से छोड़ दूंगा, अब तुझे समझ में आया कि तड़प तड़प के मौत इसे बोल, बहुत दर्द हो रहा है ना? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये हालत। ये सोच रहा हूँ कि साथ में किसे लेकर जाऊं। मैं चलूंगी। लेकिन रिया को तो पुलिस पहचानती है, ये कैसे जा सकती है? वैसे कोई हर्ज नहीं गुरुदेव, क्योंकि सिर्फ जेम्स रिया को पहचानता है, और मेरे ख्याल से और कोई अफसर नहीं पहचानता। मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। और मैंने भी सोच लिया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मुझे किसी भी खतरे की कोई परवाह नहीं। लाला वैसे ये आपसे किसने कहा कि मुझे आपसे प्यार नहीं है? तो क्या सचमुच है? बिल्कुल, कोई शक? अच्छा, कितना? ये भी मुझे बताना पड़ेगा। बड़ी बेदर्दी से मारा तुमने हमारे ऑफिसर को, हमारे सुप्रिंटेंडेंट पर भी हाथ उठाया। आज हम तुमको जेल नहीं ले जाएगा, इधर ही माफ के घाट उतारेगा। किसको मौत से डरा रहा है जेम्स? तू बहुत अच्छी तरह जानता है गोपी सिंह मौत से नहीं डरता है। चला गोली। गोपी, अरे हमको तुमको बहुत ही नाच था, गर्व करते थे हम तुम्हारे ऊपर, मगर तुमने गद्दारी करके। गद्दार हम नहीं है सर, गद्दारी तो आप कर रहे हैं। वो भी अपने ही हिंदुस्तानी भाइयों के साथ। हमारे साथ तुम्हारे साथ
तुम्हारे साथ कैसे गद्दारी हुई? अरे तुम हमारे मालिक के मुलाजिम हो और मुलाजिम का काम होता है अपने मालिक के साथ वफादारी करना। हम जो कर रहे हैं ना वो हमारा फर्ज है, गद्दारी नहीं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है सर, ये बात आप अभी नहीं समझे, ये बात आप तब समझेंगे जब ही अंग्रेज आपको भी धोखा देंगे। ये जो अंग्रेज लोग हैं ना, इनकी जात दोगली जात होती है। ये लोग तब तक आपको अपने साथ रखेंगे जब तक आपसे कुछ फायदा उठा सकते हैं। जिस दिन आपसे फायदा उठाना बंद हो गया उस दिन आपको दूध में मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक देंगे। तब आपको गोपी सिंह की याद आएगी सर। गोपी सिंह, आज हम तुम्हारा बकवास नहीं सुनेगा। ब्रह्म सिंह शूट हिम। Oh my God! ये किधर गया? ये सब तुम्हारे लापरवाही की वजह से हुआ। वो भाग गया। भाईजान, आप यहां हैं वहां सब आपके लिए फिक्रमंद हो रहे हैं। फिक्र की क्या बात, क्या हुआ मुझे? यहीं पे तो हूं। जी जी भाईजान, वो आज गर्विता आ रही है। जी गर्विता, आप जानते हैं उसको, शायद कलकत्ता में आपके साथ पढ़ भी चुकी है। जानता हूं भाईजान, वो गर्विता को लाने की जिम्मेदारी वो गोपी सिंह को दी गई है भाईजान। ठीक है भाईजान, हम समझ रहे हैं भाईजान, आपकी हालत ठीक नहीं है, नहीं तो ये काम आपको करना था, पर इंशाल्लाह आप ये काम बखूबी करते हैं। गोपी सिंह भी ये पूरी जिम्मेदारी से करेगा, तुम चिंता मत करो। और मेरी हालत को क्या हुआ है? मैं पागल हो गया हूँ? मैं अपने होशो हवास में नहीं हूँ? तुम कहना क्या चाहते हो अभीबुल्ला? नहीं भाईजान, आप हमें गलत ना समझें, हमारा वो मतलब नहीं था भाईजान। भाईजान, खुदा का फजल हमेशा आप पर बना रहे, वो हमेशा आपको सेहतमंद रखे भाईजान। भाईजान, हम तो बस ये सोच रहे थे कि क्या गोपी सिंह का जाना, पता नहीं।
कहना क्या चाह रहे हो हबीबुल्ला? साफ साफ कहो भाईजान। हम ये कहना चाहते हैं कि क्या गोपी सिंह जैसे इंसान पर एतबाल किया जा सकता है? 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 हबीब गोपी सिंह अब वो पहले वाला गोपी सिंह नहीं रहा। तुम चिंता मत करो। ब्रह्मा सिंह के भरोसे गोपी सिंह को खुला नहीं छोड़ सकता है। तुम्हें काम करो, गोपी सिंह को पकड़ने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक दो। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है। हमारा ऑफिसर ने हमको इन्फॉर्म किया है कि हमारे लिए अभय और सज्जन सिंह से भी ज्यादा खतरनाक यह गोपी सिंह है। डोंट वरी सर, मैंने ब्रह्मा सिंह को गोपी सिंह के पीछे लगा दिया है एंड वो उसके बहुत सारे राज जानता है, उसके बहुत सारे ठिकाने जानता है। नो जैक्सन, नो, हम सिर्फ ब्रह्मा सिंह के भरोसे गोपी सिंह को खुला नहीं छोड़ सकते। तुम्हें काम करो, गोपी सिंह को पकड़ने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक दो। जैक्सन, उसने हमसे तो दुश्मनी किया ही किया है, लेकिन अब तो क्रांतिकारियों से भी मिल गया है। उसका पकड़ा जाना बहुत जरूरी है क्योंकि वो हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे सीक्रेट्स जानता है। वो ये भी जानता है कि हमारे हथियार कहां पर छुपे हैं। अगर वो क्रांतिकारियों तक पहुंच गए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाएगा। You're right, sir. हमें उस गोपी सिंह को लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमें उसे पकड़ने के लिए कुछ स्पेशल प्लान बनाना पड़ेगा। Yes, special. उनके सुत की चिंता है हमें। अन्नपूर्णा जी का जेल में गुजारा गया एक एक पल हम पर पहाड़ बनकर टूटता है। अगर सज्जन सिंह जी यहाँ होते ना तो एक क्रांतिकारी की माँ को इतने दिनों तक जेल में नहीं रहना पड़ता। पर मैं कहता हूँ, क्या हम उनकी रणनीति नहीं अपना सकते? क्या हम में मरने मारने का मादा नहीं है? हर आदमी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है सेठ जी। नेताजी अगर कहते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो गांधी जी कहते हैं कि कोई अगर आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल आगे कर दीजिए। एक हिंसा की बात करता है तो दूसरा अहिंसा की, लेकिन दोनों का मकसद एक है सेठ जी, जो है भारत माँ की आजादी। दोनों रणनीतियां अपने अपने तरीके से अंग्रेजों के हौसले पस्त कर रही है। एक मार मार कर उनकी कमर तोड़ रही है तो दूसरी मार खा खा कर उनके हाथ सुन्न कर रही है। और यही हाल बनारस का। सज्जन सिंह जी एक दबंग है तो उन्होंने अपनी दबंगाई से अंग्रेजों को चने चबवा दिए। वही दूसरी ओर हमने अपनी लेखनी के जरिए अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सेठ जी कि हमें मरने मारने का मादा नहीं है, मरने मारने का हौसला नहीं है। मेरा मतलब ये नहीं था पराड़कर जी,
देखिए मैं शुरू से आपके और सज्जन सिंह जी के साथ में आजादी के इस आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ रहा हूं और हमेशा मैंने अहिंसा का समर्थन किया है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी आंशिक हिंसा आवश्यक हो जाती है। मतलब चाहे जो हो सेठ जी, एक बात तो साफ है कि हमें जेल की दीवारें फांदना नहीं आता। हाँ नहीं आता, लेकिन उनके घरों में घुसकर खबरें निकालना आता है। माना कि हम अन्नपूर्णा जी को अंग्रेजों की गिरफ्त से नहीं छुड़ा सकते, लेकिन हम उनके दर्द को, उनकी आहों को दुनिया के सामने जरूर ला सकते हैं। कहना तो आपका बिल्कुल सही है परांकर जी, लेकिन रणभेरी छापना भी आजकल बड़ा मुश्किल और खतरनाक हो गया। हर गली हर कूचे पे उनकी नजर, सुराग ढूंढ रहे हैं। जरा सा मौका मिले और धर दबोचे। दुर्गा प्रसाद जी, अंग्रेजों की सख्ती रणभेरी की गूंज को ना कभी दबा सकी है ना दबा सकेगी। जब जब षड्यंत्र के बादल छाएंगे, रणभेरी गरजेगी भी और बरसेगी भी। गुरुजी ने तो मुझे यही जगह बताई थी जहां पे गर्विता आने वाली है, पर यहां पे कोई दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर जैक्सन, आओ आओ जैक्सन आओ। ऐसी छिछोरी हरकत सिर्फ तुम ही कर सकते हो। वेलकम गोपी सिंह, मैं यहां खड़े होकर तुम्हारा ही इंतजार कर रहा। जैक्सन,
बहुत हंसी आ रही है ना? जैक्सन, तूने वो कहावत तो सुनी होगी, हर कुत्ते का एक दिन होता है और आज तेरा दिन। वो इसलिए नहीं कि तू गोपी सिंह को पकड़ने में कामयाब हो गया, वो इसलिए कि आज आज भी गोपी सिंह तुझे मारेगा नहीं। जानता है क्यों? क्योंकि आज गोपी सिंह किसी और मकसद से आया है, और वैसे भी तू अभय का शिकार है। अगर मैंने तुझे यहां पर मार दिया तो मैं उससे नजर नहीं मिला पाऊंगा, और ये जिन प्यादों पे तू उड़ रहा है ना, अब देख गोपी सिंह इनकी क्या हालत करता है। इतना हंसला है हंसले। तेरे रोने के दिन बहुत जल्दी आ रहे हैं जैक्सन। अपने प्यादों का हाल जैक्सन, पकड़ो उसे, आज नहीं लौटा है। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। कहो सिंह, मैंने इस एरिया को चारों ओर से सील कर दिया है,
अब तुम्हारा बच पाना मुश्किल है। अपने आप को मेरे हवाले कर दो। गोपी, जैक्सन और उसके आदमियों ने तुझे चारों तरफ से घेर लिया है। तुझे कैसे भी यहां से निकलना पड़ेगा। तभी तू गर्विता को अड्डे तक ले जा सकता है। गोपी सिंह, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने आप को मेरे हवाले कर दो। हम एक अजनबी हैं, तुम्हें मुश्किलों में घिरे देखा तो मदद की, क्या इतनी पहचान काफी होगी? अरे क्या आप परिचय नहीं जानना चाहेंगे? पुलिस तुम्हारे पीछे थी, जाहिर सी बात है गलत आदमी हो। आपके दिए हुए डायरेक्शन से ही जाल बिछाया है। इस बार हमको 100% सक्सेस मिलना ही चाहिए। नहीं करेगा सर, जैक्सन होशियार ऑफिसर है बट कभी कभी क्रांतिकारियों के चकमों में उलझ जाता है। एक बात बताएं सर, अपराधियों के लिए बहुत ही सख्त है वह। चलो यहां पर कोई नहीं है, उस तरफ चेक करो।
पकड़ो उसे। Move fast, Tizer. साहब गोपी कहीं नहीं मिला। साहब गोपी कहीं नहीं मिला। साहब चप्पा चप्पा छान मारे, गोपी कहीं नहीं मिला। कहाँ गया वो गोपी सिंह? मैदान साफ है तुम्हारा। आपने मेरी मदद क्यों की? कौन है आप? हम एक अजनबी हैं। तुम्हें मुश्किलों में घेरे देखा तो मदद की, क्या इतनी पहचान काफी होगी? अरे क्या आप मेरा परिचय नहीं जानना चाहेंगे? पुलिस तुम्हारे पीछे थी, जाहिर सी बात है गलत आदमी हो। अन्नपूर्णा आज भी खाना नहीं खा रही, उसे दो रोज हो गए साहब, अगर वो खाना नहीं खाई तो मर जाएगी। मरने दो उसका, मत दो खाना, खुद पे खुद मर जाएगा तो अच्छा है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। खाली हाथ वापस नहीं आया, हमारा मुंह पर खाली हाथ पाकर आया है। हमने तुम्हारा अपना डिटेक्टिव ऑफिस में तारीफ किया कि तुम काबिल ऑफिसर है, स्ट्रांग ऑफिसर है, तुम इस ऑपरेशन को 100% सक्सेस करेगा। और तुम गदा का माफिक मुंह लटकाकर गोपी सिंह को लिए बगैर वापस आ गया। सर मैंने बहुत ही स्ट्रांग प्लान बनाया था, वो गोपी सिंह वो उसमें फंस भी गया था, लेकिन क्या जैक्सन, वो चूहा बनकर चाल को ट्रैक दिया और खुद खुद के चला गया, और तुम उसका हुलू की तरह जाते हुए देखता रहा। ये लेकिन सर मैंने पूरा एरिया सील कर दिया था, न जाने वो कहां गायब हो गया, समझ नहीं आता कि उससे वो जमीन खा गई या फिर वो आसमान निकल गया। ओह जैक्सन जैक्सन, तुमने बहुत बड़ा चांस मिस कर दिया। तुम यहां बावड़ा जासूसों के साथ मिलकर भी गोपी सिंह के पास नहीं पहुंच पाता है, अगर वहां तक पहुंच भी जाता है तो उससे मार खा के वापिस आता है।
और दूसरी तरफ हमारा वो डिटेक्टिव दिल्ली से आया और आते ही उसने बड़ा बड़ा कामों को अंजाम दे दिया। जैक्सन, ये ऑपरेशन भी उसी का चाल था। तुमको तो बस पिछाना था और फंसना उस गोपी सिंह का खुद पर खुद था। तुम ये भी नहीं कर पाया। साहब, वो अन्नपूर्णा आज भी खाना नहीं खा रही, उसे दो रोज हो गए। साहब, अगर वो खाना नहीं खाई तो मर जाएगी। मरने दो उसका, मत दो खाना। खुद पर खुद मर जाएगा तो अच्छा है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा उसके लिए। जाओ, तो क्या कर रहा? मरने दो उसको, भूखा मरने दो, प्यासा मरने दो, कुछ मत दो उसे। खाना नहीं खाया। तुम बताओ जैक्सन, अब हम अपने हाथ से नहीं मारा छोड़ के उसको खिलाए? हे अन्नपूर्णा, मुंह खोलो, खा लो खाना, खा लो, ऐसा बोले उसको? हाँ, खाना नहीं खाता है। प्रणाम गुरुजी। आओ फिर से। गुरुजी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। जो आपने मुझे काम दिया था वो मैं नहीं कर पाया। मैं जानता हूं। आओ बैठो। अब बताओ क्या बात है? गुरुजी, मैं गर्विता को नहीं ला पाया। मैं गर्विता की प्रतीक्षा कर ही रहा था कि इतने में अंग्रेजों ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया और मैं बहुत ही बहादुरी से उनसे लड़ रहा था कि इतने में सिंह हो ही नहीं सकते। तुम तो उसके हमशक्ल अभय सिंह हो, जो ना सिर्फ आंसू बहा रहा है बल्कि उसमें इस कदर डूब गया है कि उसे ये भी नजर नहीं आ रहा कि उसके गुरुजी कितने दिनों से लापता है। श्रीमान गोपी सिंह जी, आप कुछ फरमा रहे थे। गुरुजी, गुरुजी, ये तो वही लड़की है जिसने उसने मुझे बताया कि किस तरह पुलिस ने एक सज्जन की बड़ी जबरदस्त घेराबंदी कर रखी थी और किस तरह इसने उन्हें बचाया। हालांकि ये उन्हें पहचानती नहीं थी, लेकिन मैं पहचान गया कि इतनी जबरदस्त घेराबंदी सिर्फ गोपी सिंह की ही हो सकती है। तो ये गोपी सिंह है? और गोपी सिंह ये है गर्विता। गुरुजी, इनकी विशेषता और जाबाजी को तो मैं पहले ही देख चुका हूं और मुझे सचमुच इन पर गर्व है।
लेकिन शायद तुम्हें यह नहीं पता होगा कि इसकी बहादुरी की कद्र करते हुए नेताजी ने इसे अपने साथ काम करने का अवसर दिया। वाकई गुरुजी, इनकी हौसला मंदी की जितनी तारीफ की जाए कम है। अब से ये हमारे साथ काम करेंगे। अरे वाह गुरुजी, ये तो सचमुच बहुत अच्छी बात है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकता हूँ? मुझे पता है कौन सा प्रश्न आपके मन को परेशान कर रहा है, लेकिन उत्तर देने से पूर्व मैं नेताजी की एक नसीहत देना चाहूंगी। किसी मजबूर को देखो तो उसकी मदद करो, मगर उसे अपना परिचय मत दो। मेरा ख्याल है गोपी सिंह, तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया हो, या तुम कुछ और कहना चाहते हो? नहीं नहीं गुरुजी, मुझे अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए। अब आप मुझे इजाजत दीजिए। प्रणाम गोपी सिंह। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी वो रणवीर, मेरा मतलब अभय कहाँ है? भाईजान, कलकत्ता में आपने और गर्विता जी ने एक साथ तालीम हासिल की है, फिर तो आप बखूबी जानते होंगे कि वो कैसी हैं, किस मिजाज की हैं। कुछ बताइए ना भाईजान। हाँ, हाल फिलहाल मैं बस इतना ही जानता हूँ कि वो नेताजी के साथ काम कर रही थी। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे? कोई खास वजह नहीं भाईजान, बस इसलिए कि उनके मुतालिक आपके अलावा किसी को यहाँ पर कोई खास जानकारी नहीं है, और फिर यहाँ वो आपका ही नाम लेकर आ रही हैं इसलिए। क्योंकि क्रांति की प्रेरणा मुझे रणवीर से ही मिली है। आपके जज्बों ने मुझे आजादी की लड़ाई लड़ने का हौसला दिया, और उसे संवारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भाईजान, आप दोनों गुफ्तगू करें, मैं अभी आता हूं। गर्विता, तुम्हारा कलकत्ते से यहाँ आना, वो भी अकेले? कोई होता तो उसे साथ जरूर लेकर आती। मतलब तुम्हारी शादी हुई थी ना? हुई थी, पर वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ सका। छोड़ दिया मुझे। मुझे तो कुछ खतरे की आहट सुनाई देती है, सरदार किसी को भी नहीं मिल रहे हैं, तो इसका क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? अंदाजा चाहे जो भी लगे, लेकिन सरदार के प्रति कोई भी अशुभ शब्द से गवारा नहीं। समय का डिमांड है जैक्सन, इसको छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जाना नहीं चाहता। उसका कहना है कि वो तब तक नहीं जाएगा जब तक उसके सामने उसकी बेटी को नहीं लाया जाए। यदि हमने सज्जन सिंह की गुमशुदगी को उजागर किया तो क्रांतिकारियों में जो बेचैनी होगी वो तो होगी ही, अंग्रेजों को भी इस बात की खबर लग जाएगी कि वो लापता, जिसका वो गलत फायदा भी उठा सकते हैं।